एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DUOB जो एग्ज़ाम, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम सबको जानना जरूरी है। और इसी के साथ अगर DUOB के एग्ज़ाम के दौरान अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो हमें किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उसके क्या कॉन्टैक्ट नंबर, और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या उसकी ईमेल आईडी है, ये सब। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ OB का जो एग्ज़ाम, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट मेथड है आंसर शीट अपलोड करने का, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये दिया हुआ है, तो पहली इन्फॉर्मेशन में है वो है एक्स स्टूडेंट और इशिंचर रिपीटर्स, और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए फिल किया है, तो उनके लिए क्या है कि उनकी जो डेट शीट है वो अलग से आई है। रेगुलर जो नॉर्मल जिनको अभी अपना जो भी मतलब फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देना है उनके लिए नहीं है, ये जो रिपीटर है उनकी अलग से डेट शीट आई है। रिपीटर हो गए, इम्प्रूवमेंट वाले हो गए, तो वो अपनी उसी डेट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दें। ठीक है, और जो भी रिपीटर है उनके जो भी जिनका अगर फेल हो गए तो उनके आगे लिखा हुआ है ER, तो वो सब अपना एग्ज़ाम वगैरह देंगे। और इसी के साथ जो फोर्थ और सिक्स्थ में जिनके रिजल्ट आ गया ना सिक्स सेमेस्टर में, वो अपना इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें डायरेक्ट सिक्स्थ का भी OB हुआ था और फोर्थ में था उनको डायरेक्ट, फोर्थ में क्या हुआ था डायरेक्ट उनको प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के साथ जो भी हैं स्टूडेंट जो भी OB दे रहे हैं उनको एक चीज़ याद रखना, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म उन्होंने पहले से फिल किया हुआ है, इसी के साथ उन्होंने अपने एडमिट कार्ड वो भी डाउनलोड कर लिए हैं टाइम पे, ताकि उनको पता रहे कि कब उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, इन्हीं के साथ उनको कोई भी फर्दर डिटेल चाहिए वो अपने कॉलेज के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया है, ईमेल आईडी वगैरह, इन सब से रिगार्डिंग वो उन पर कॉन्टैक्ट में रहें। और इन्हीं के अलावा अगर और कोई दिक्कत हुई तो कॉलेज की जो भी सॉरी जो DU की जो ऑफिशियल ईमेल वगैरह वो सब भी उनके पास रहेंगी। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं कि कौन कौन से नोडल ऑफिसर हैं कि जो हमें, और दिक्कत के लिए जो भी है जिनको भी अगर OB एग्ज़ाम के दौरान कोई भी दिक्कत हुई तो उसके लिए नोडल ऑफिसर है, उनकी ईमेल नंबर मैं आपको भी बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ जो भी एग्ज़ाम होगा किसमें A4 साइड सीट है उसमें, और उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, डेट एग्जामिनेशन, नेम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड, टाइटल, नेम, ईमेल आईडी ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको अपने पेपर में मेंशन करना है। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है एग्ज़ाम से पहले आपको ये भी फिल करना होगा अंडरटेकिंग कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो और ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसके अलावा ये हैं आपके नोडल ऑफिसर्स उनके बारे में, जैसे ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज है इसमें ये नाम है इनका और इनकी ईमेल ये है और इनके कॉन्टैक्ट नंबर ये, इसी तरीके ये सभी कॉलेज के दिए हुए हैं। जैसे आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है क्या हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये नाम है इनके, ये इनकी ईमेल है, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी तरीके से बाकी सभी आप इनको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इनको सेव कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कॉलेज है। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा कि आपको कहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको मैं DU के रिगार्डिंग OB के रिगार्डिंग पूरी अपडेट देता रहूँगा और पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए उन सभी के बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।